आज की इस वीडियो में मैंने आपको घर बैठे पैसे कमाने के एक ऐसे तरीका के बारे में बताया हूं जो कि अगर आप इस पे यूज करते हैं तो इसमें ना कोई आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ना कोई आपको इसमें कोई पैसे लगाना है और ना ही आपको किसी कंप्यूटर की जरूरत पड़ सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप इस एप्लीकेशन का इस तरीका से आप यूज करके आप अच्छे खासे पैसे आप अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से कमा सकते हैं। तो इस एप्लीकेशन में जो काम है दोस्तों क्या होता है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड होते हैं जो कि रेफर करने से आपको इनकम देता है, यानी उसके ब्रांड को अगर आप कोई भी एक बैंक अकाउंट खोलते हैं, जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक का एक आप बैंक अकाउंट खोलवाते हैं किसी से, तो आपको वो कोटक का अगर लिंक आप शेयर करते हैं तो आपको इसमें रिफर करने का पैसे दिया जाता है 250, 300, 500, 600, 1000 तक का। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वन कोड एप्लीकेशन के एक ऐसी चीज के बारे में बताऊंगा जिसमें आप रिफर करके आप अपना पैसे बना सकते हैं। तो आज अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखें और इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को यूट्यूब में सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबा दें। अगर ये वीडियो आप फेसबुक में देख रहे हैं हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, आप देख रहे हैं नॉलेज फॉर हिंदी। इसके लिए सबसे पहले आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेंगे वन कोड का। ये प्ले स्टोर में आसानी से आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। अपना आपको अपना लैंग्वेज चूज करना है, यहां से आपको टिक करना है। टिक करने के बाद यहां आपको कुछ भी स्किप कर देना है, क्योंकि यहाँ पे आपका वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, अगर आप इसे लॉग इन करना चाहते हैं तो डायरेक्ट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हो तो इसे आपको साइन इन करना पड़ेगा, यानी आपको एक अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना फुल नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस ऑप्शनल है, जो कि आप रेफरल कोड भी ऑप्शनल है। चलिए फुल नेम और मोबाइल नंबर आप यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे अपने लोकेशन में, जो भी आप लोकेशन में रहते हैं उस एरिया का, आपको यहाँ पे पिन कोड दर्ज कर देना है। पिन कोड दर्ज करने के बाद आपको यहाँ पे अपने लोकेशन की जो भी डिटेल्स है आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। तो आपको यहाँ पे ए के मार्केट, एसओ, मुल्तानी, रांडा, जो भी है आपको यहाँ पे आपको ठीक है कर देना है। उसके बाद आपको अपने सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको योर वन कोड का एक आपका कोड दिखाई देगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो चूज डिफरेंट कोड में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे वन कोड में जो भी आप अपना वन कोड लिखना चाहते हैं यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे अपना नाम कर दूंगा, कंफर्म कर देता हूँ। कंफर्म करने के बाद मेरा वन कोड हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना केवाईसी करना पड़ेगा, जो कि पेंडिंग केवाईसी दिखा रहा है। तो आपको प्रोसेस पे ऊपर क्लिक करना है। प्रोसेस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपना नेम देना है, जो कि आपके पैन कार्ड में जिस तरह का है। उसके बाद आपको यहाँ पे चूज जेंडर, आपको आपका जो भी जेंडर है वो दे देंगे, आपका डेट ऑफ बर्थ दे देंगे, पैन नंबर दे देना है, एजुकेशन आप क्या है, 10th डिप्लोमा जो भी है, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट। उसके बाद आपका यहाँ पे करंट ऑक्यूपेशन क्या है, आपको सेल्स एजेंट जो भी है। यहाँ पे हम यूट्यूबर कर देते हैं। यूट्यूबर करने के बाद आपको यहाँ पे करंट वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपकी जॉब की आपका वर्क एक्सपीरियंस दे सकते हैं, 3 साल, 4 साल, 5 साल कर देते हैं जॉब करना है। उसके बाद करंट एनुअल इनकम क्या है, आपकी 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख जो भी है आप यहाँ पे 5 लाख देन कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला इंटरेस्ट कैटेगरी वर्क, यहाँ पे कौन सी आप वर्क करना चाहते हैं इस एप्लीकेशन में, जैसे क्रेडिट कार्ड, डिमांड सर्विस, इन्वेस्टमेंट, वॉलेट, मर्चेंट, ठीक है। तो आप यहाँ पे सभी चीज सबमिट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। सबमिट के ऊपर क्लिक करने के बाद चलिए हम अपना पैन नंबर और बाकी डिटेल्स भर देते हैं। सबसे पहले सेफ डिटेल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ अलाव परमिशन देना है। यहाँ पर आपको अपना सेल्फी अपलोड करना है, टेक्स्ट सेल्फी पर क्लिक करना है जिससे आपका कैमरा ऑन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों सेल्फी अपलोड करने के बाद यहाँ आपको अपना साइन करना है, जो भी साइन करना है इस साइन को कर सकते हैं। उसके बाद आपको सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे दोस्तों तो यहाँ से आपका केवाईसी कंप्लीट हो गया, जो आपके यहाँ से आईडी कार्ड और ऑफर लेटर देख सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे गो टू होम में जाते हैं। गो टू होम में जाने के बाद दोस्तों आपको देख सकते हैं यहाँ पे ब्रांड और यहाँ पे अलग अलग किस्म के ब्रांड आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ से आप अपने आईडी कार्ड और ऑफर लेटर भी देख सकते हैं। चलिए ब्रांड में आपको देखने के लिए आपको नीचे ब्रांड के ऊपर क्लिक करना है। जैसे कि यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसमें आपको अगर जुपिटर का दोस्तों आप लिंक शेयर करते हैं और ये अकाउंट कोई ओपनिंग कर लेता है सक्सेसफुल तो आपको 300 रुपया मिलता है। इसी तरीके से स्मॉल फाइनेंस बैंक का है, उसी तरीके से आपको एक्सिस बैंक का है जो कि डिजिटल सेविंग अकाउंट है, 475 रुपया मिलता है दोस्तों अगर कोई भी आपका लिंक से अकाउंट ओपनिंग कर लिया है। तो आप देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको नियुक्त सेविंग अकाउंट का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो देख सकते, चलिए हम यहाँ पे एक देखते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक या आपको एक्सिस बैंक देख सकते हैं। एक्सिस बैंक में हमें 475 रुपया का एक लिंक शेयर करने के बाद
अगर वो अकाउंट ओपनिंग कर लेता है कोई भी बंदा, तो आपको 475 रुपये का कमीशन मिलता है दोस्तों। अगर आप इसे शेयर करना चाहते हैं तो शेयर नाउ पे आप क्लिक करेंगे। शेयर नाउ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे बोला योर KYC इज डन, ठीक है। अगर आप इसका वीडियो आपको देखना पड़ेगा कुछ सेकंड का जो है कि एक्सिस डिजिटल सेविंग अकाउंट का, यहाँ पे 4 वीडियो आपको देखना पड़ेगा। हर वीडियो देखने के बाद आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है, जैसे कि यहाँ पे बता रहा है कि विच टाइप ऑफ कस्टमर एलिजिबल फॉर कमीशन, तो आप यहाँ पे कस्टमर विथ न्यू अकाउंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे बोला कॉन्ग्रेचुलेशन मोहम्मद सज्जाद आलम, नाउ यूर एलिजिबल सेल एक्सिस एफ डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो दोस्तों देख सकते हैं मैं आप ये लिंक को शेयर नाउ पे क्लिक करके इसे शेयर कर सकता हूँ। अगर इससे कोई भी अपना डिजिटल सेविंग अकाउंट ओपन करता है तो मुझे 475 रुपया कमीशन मिलेगा दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ से फेसबुक व्हाट्सएप मैसेंजर में आप सभी तरीके से शेयर कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप दूसरा शेयर करना चाहते हैं कोई भी बैंक का, तो आप इस तरीके से शेयर कर सकते हैं बैंक अकाउंट। उसके बाद रिचार्ज बिल पेमेंट का भी आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। यहाँ से रिचार्ज में आप से देख सकते हैं अप टू 2% कमीशन, अप टू 4% कमीशन, इलेक्ट्रिसिटी बिल अप टू फ्लैट 2% कमीशन, और ब्रॉडबैंड का 2% कमीशन आपको यहाँ पे दिया जाता है। जैसे कि वाटर बिल का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे क्रेडिट कार्ड EMI का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। एक्सिस बैंक फ्री रिचार्ज, बजाज, धनी, उसके बाद यहाँ सलाइज बैंक ऑफ बड़ौदा। तो दोस्तों आप इस तरीके से इस लिंक को शेयर करके आप अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। अच्छे खासे कमाई करने के लिए आपको सिर्फ कुछ ही काम करना पड़ेगा, लिंक को शेयर करना पड़ेगा और उसे सक्सेसफुल करना पड़ेगा, जैसे अकाउंट ओपनिंग करना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस एप्लीकेशन की मदद से अच्छे खासे कमाई कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप इसे बैंक ऑफ बड़ौदा का क्रेडिट कार्ड का रेफर करते हैं तो आपको 350 रुपये का आपको यहाँ पे पेमेंट मिलता है, कमीशन मिलता है। तो इस तरीके से इस वन कोड एप्लीकेशन को आप यूज कर सकते हैं।